व्हाट इज अप सो वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं मूवी ऐसे क्यों कर रहा है पीछे से रिटेट इतनी देर से। मेरा थर्ड टेक है जिसमें फिर से पैपे शुरू कर दी थी। और गाइज आज है हमारा थर्ड डे इस ट्रिप का। तो अभी हम स्टिल जयपुर में ही है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हमने दूसरी जगह ट्रैवल किया नहीं है। और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वैसे हम सबका प्लान था कि अभी हॉर्स राइडिंग करने जाएंगे बट बारिश ने सब स्पॉइल कर दिया और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई। पता नहीं क्यों हो जाती मेरी ऐसी ट्रिप पे आके तबीयत ख़राब, गई समझ नहीं आता मेरे को। शायद मैं बारिश में पूल में चली गई थी इसलिए थोड़ा हल्का बहुत फीवर हो गया था मुझे। और मेरा लास्ट ब्लॉग भी जयगो ने एडिट किया था, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जयगो क्योंकि उसने एडिट किया और डाल दिया। तो अभी भी मक्खी बैठ गई थी कैमरे पर। अभी भी थोड़ा सा लो फील हो रहा है, बुखार जैसा हो रहा है। मन कर रहा है कि घर चली जाऊं क्योंकि कुछ मज़ा आ नहीं रहा ट्रिप पे, बारिश की वजह से सब चीज़ें स्पॉइल हो रही। हमें जाना था आज फिर से बाहर घूमने बट पूरा दिन हो गया है कि बारिश हो ही जा रही है। तो मूड बहुत बेकार हो रहा है बारिश की वजह से। और जो हॉर्स राइडिंग मुझे अभी करनी थी शायद मैं कल सुबह करूँ या देखते हैं कब करेंगे। बाकी समझ नहीं आ रहा अभी क्या व्लॉग करें क्या नहीं क्योंकि इधर ही रिजॉर्ट में क्या ही व्लॉग कर सकते हैं गाइस। हम बारिश ने तो सभी स्पॉइल कर दिया। कल ही हम सिर्फ मार्केट गए थे घूमने थोड़ी देर के लिए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, ज़्यादा भी नहीं। फिर हम लोग वापस आ गए और आज हमने सोचा था और जगह जाएंगे जयपुर की एक्सप्लोर करने जब तक हम जयपुर में हैं बट नहीं जा पाए बारिश की वजह से। बट देखते हैं बारिश रुकती है तो क्या करते हैं क्या नहीं। तो गाइज सब लोग हॉर्स राइडिंग करने गए हैं और मैं नहीं जा सकती बिकॉज आई एम ऑन माई मेंस्ट्रुएशन और बारिश में जाना तो बहुत ही भयंकर चीज़ हो जाएगी मेरे साथ अगर पानी में मैं गई ना। अब मैं पूल में जा सकती हूँ ना पानी में और मुझे बहुत सैड फील हो रहा है क्योंकि अब मैं इंजॉय नहीं कर पा रही ढंग से। और बस अब मैं यहाँ लेटी हूँ, वूफी के साथ सब गए हैं इंजॉय करने हॉर्स राइडिंग करने और मेरा हॉर्स राइडिंग करने का बहुत 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 ज़्यादा मन था बट अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक हो जाए मन तो कर भी जाए बट अभी तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो ऐसा मन हो रहा है कि बस घर चले जाए मम्मी पापा के पास, बाकी इधर रुकने का मन नहीं कर रहा क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं अब क्या ही करूँ। और मम्मी पापा ही अच्छे से केयर कर पाते हैं जब तबीयत ख़राब होती है और कोई कर नहीं पाता इतने अच्छे से केयर, तो बस इसलिए ऐसे याद आ रही है। एक तो मेरे पास एक ही नाइट सूट है, बार बार इसी को पहनना पड़ रहा है, कोई एक्स्ट्रा टी शर्ट तक नहीं है जो मैं पहन सकूं। कल मैं इसको वॉश कराऊंगी या फिर कल मैं न्यू लेकर आऊंगी किसी भी हर हालत में। ये बारिश रुके तो हम कहीं जाएं भी गाइज, बारिश रुक ही नहीं रही है यार। बारिश तो काफी तेज हो गई है गाइज और सबने हॉर्स राइडिंग कर भी ली और सब जा रहे हैं पूल में और मैं सिर्फ बैठ कर देखूंगी। सो फाइनली सारे के सारे पूल में चले गए। हाँ जा ठंडा ही होता है बारिश का पानी, गर्म थोड़ी होता है। मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है जाने का सच में पर कोई नहीं, किस्मत ही जब अच्छी नहीं हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता गाइस। अब मैं बस बैठ के देख रही हूँ। सुबह कितने बजे? तो गाइस फाइनली हम सब ने खाना खा लिया है और मेरा कुछ भी व्लॉग करने का मन ही नहीं हो रहा क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही अंदर से व्लॉग करने की और मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना और क्या और कैसा क्या ही बनाए। वैसे तुम लोगों को हमारा आज का डे पता चल ही गया कि कैसा रहा। यार इधर लाइट कम है, ओए बड़ा गंदा डॉग है। आज का डे पता चल ही गया कि कैसा रहा कैसा नहीं। और कल हम होपफुली दूसरी लोकेशन पे निकल रहे हैं क्योंकि जयपुर में बहुत बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उधर दूसरी जगह चलते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा सब सिस्टम पानी। और फिर फक लाइट चली गई हसमत बता क्यों ये हो गया पता नहीं, धीरे बोलेंगे हम थोड़ा गाइस। तो आज का पूरा दिन बहुत ही गंदा निकला हम लोगों का क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी इतनी ज़्यादा। तो अभी हमारे दिमाग में आइडिया आया जो मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला था कि मैं हॉरर प्रैंक करने वाली हूँ जयगो के ऊपर, तो तुम सब कमेंट भी कर रहे थे दी कब करोगे। तो आज वो दिन आ गया शिल्पा ने का, आज वैसे ही व्लॉग कुछ अच्छा नहीं बना लोगों को दिखाने लायक तो हॉरर प्रैंक कर ले, तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी हम सारे बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, मैं मनमीत भैया और शिल्पा की कैसे डरा रहे हैं उनको। तो मनमीत भैया ने कहा नहीं 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 बस ये हवा में उड़ने वाली है, अभी हम इसको पहले पूरा मेकअप करेंगे और वाइट ड्रेस बनाएंगे और इसे हवा में उड़ाना है। अब वो कैसे उड़ेगी वो आप आगे देखो, खुद ही डर रही है। और हम हॉरर साउंड्स भी चलाएंगे फोन में और मुझे सही में खुद ही डर रहा है कभी वो चीख के और मैं ही भाग के जाऊं वहां पे। तुझे पता लगे तुझे सामने से कुछ नजर आ गया
पर तू हवा में कैसे उड़ेगी ये देख। हाँ वो तो हमने सोच लिया पहले, ये जो सुन ये जो बन के बैठी है ना इसको वाइट कर, ये सुंदर कन्या नहीं बनना। हाँ सुनो कभी सही में हवा में उड़ जाऊँ उनकी चीखों से डर के मारे। नहीं 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 वैसे जयगो और अंकित दोनों हैं तो शाणी का मेरे चप्पल वप्पल फेंक के मारते। अभी जब तू हवा में उड़ेगी पता भी नहीं लगेगा अंधेरे में तो उड़ कैसे रही, क्योंकि वो हम जो करने वाले हैं ना वो तुझे भी नहीं समझ डर लग रहा। चल अब तू फटाफट चेंज कर। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे हाँ इतने नीचे मुझे बहुत डर लग रहा है खुद ही। चुप रहे, हम तेज नहीं बोल सकते क्योंकि रूम तक आवाज जाती है। भाई तुम मुझे पिटवाओगे तो चप्पल ही आ गई। हो सकता है कोई हाथ अंदर रख, दोनों हाथ अंदर रख है ना, दोनों हाथ अंदर रख, रख तो एक बार वो ज्यादा अच्छा लग रहा था। चला ऐसे भी कर सकते हैं। वो तेरे नाम मूवी में वो जो पागल लड़की का रोल था। चुप रहा, हसमत पता लग गया उनको। ओए एक बार लाइट बंद करियो, देखो कुछ आ रही है वाइब इससे। मेकअप की नीड नहीं लग रही हूँ काजल, मुझे मत डरा प्लीज यार। वही लग तो रही है। चल चले चल। इसको डर के मारे सुसु आ गई पहली। अभी हम लोग साउंड्स वगैरह निकाल रहे हैं जो हमें वहाँ पे बजानी है और फिर चलते हैं गाइस लेट्स गो। ट्राई कर रहे थे कि मैं डरा पाऊंगी। तू डर गई थी अभी। मुझे नहीं मनमीत तो इसको बदतमीज को ये पागल है कि क्या टीममेट चल रहे हैं ये एक अलग है। चल तू यहीं लेट, तेरा काम खत्म। चलो गाइस इससे उड़ाएंगे। अरे पॉली बैग निकाल देते हैं ना। नीचे देख ले, रख लेगी ना। मैं अपने रूम से भी लेके आऊं। बोल सकते हैं जब वो थप थप से नहीं उठे तो इससे क्या होता है। पूरा आधा घंटा हो गया बाहर और वो लोग टस से मस नहीं हो रहे और जयगो की इतनी तेज खराटे आ रहे हैं इतनी तेज और वो डस्टबिन का जो सर्कल है मेरे पैर में गड़ चुका है बुरी तरह। देखा पैर अपने गंदे हो रहे होंगे ना। कोई नहीं पैर वैसे एफर्ट। ओए देखियो और बदतमीज एक मिनट के लिए नहीं उठे और शिल्पा ने उनको रूम में आके कॉल भी करी कि मेरी कॉल से उठ जाएंगे। कुछ नहीं साहिल है, साहिल है, साहिल वो उठे ही नहीं। अब ना पता क्या करते हैं, मैं गेट पे ऐसे ही खड़ी रहती हूँ, ठक 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 करती रहती हूँ। बेटर ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, उठेगा तो सही कोई ना कोई। ठीक है चलो। तेरे काट लेता भाई।
जैक उठ रहे हैं। वो अपना मुझे लग रहा है व्लॉग कर रहा है। बोल नहीं रहा पर जैक उठ जैको नहीं तो गेट पे धक्का मारता जब मैं डर गाइस ये ना काजल शिल्पा दी मिर्ची कोई है मैंने गेट खोल दिया वो खोल के एक बार देख ही लेते हैं कोई अंदर ही होगा बाहर ही होंगे 100% ऐसी टट्टी चढ़ेलोगे तो मैं भर भर मारता हूँ मैं बता रहा ऐसी टट्टी चढ़ेलोगे तो ऐसे तेरा रियल रूप यही है काजल मैंने ये तो देख लिया सच में आ जाएगी रहने दे आज देगा मना सब इंजे बस जा घर जा तूने सुबह सुबह सिर दर्द करा ना तो तूने मेरा जा इसके सर पे पॉटा मारी चले यार फ्लॉप होगी सारी मेहनत अपने घर अपने घर वापस जाए उठा ये सामान ये बॉटल भी ले लियो पानी पी लो तेरी बहुत एक्टिंग खराब है पानी पी लो एंजॉय करियो हां काजल वापस जा क्या था यंकी दिया जो लगा के बैठा हुआ था अबे तूने फ्लॉप कर दिया चल हाथ मुंह धो तो किसी काम की नहीं है अबे यार तेरे बॉटल मारी अब क्या कर सकते हैं काजल सो गाइज फाइनली इतना फनी व्लॉग जो हमने बनाया आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा और मेरे एफर्ट्स के लिए और वैसे हम तीनों के एफर्ट्स के लिए कमेंट जरूर करना जयगो ने जो बाटली मारी है सर पे बोतल और वो बहुत बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट दोनों हैं तो मुझे पहले भी पता था वो नहीं डरेंगे पर फिर भी मैंने सोचा कि मुझे मत डरा आप तो हाँ जाओ आप देख इसके बाद हमने बहुत फनी रील्स भी बनाई है फनी क्या मतलब हॉरर रील्स भी बनाई है वो भी दिखा दूंगी आप लोग बाकी अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है तबीयत खराब में पर सब मैं सीधा सोने जाऊंगी अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को एक लाइन गलत होगी आज का दिन बहुत ज्यादा एक्टिव था मैं सीधा सोने जाऊंगी तब तक के लिए गुड नाइट टेक केयर शब अगर बाय सानू नेड़े ला लाया सी गुची सटिया दिल दे मोमे आदत ने कबिया थोड़े जे आ रूड थोड़े आरू घंटिया।